पूरा एपिसोड देखने के लिए SonyLIV ऐप डाउनलोड करें। कैसे साइन कर दिया इसमें? जुगाड़ से। टेढ़े इंसान के साथ टेढ़ी चाल चलनी पड़ती है बापुत्रा। छोड़ उसे, तेरा सपना है मेरे बनने का है ना, उस पे ध्यान दे। ये छोटे मोटे मसले छोड़ दे हम पे। और रही बात राशि की बदनामी की, तो वो मैं देख लूंगी। क्योंकि उसकी माँ हूँ, उसके लिए फैसले लेना नहीं छोड़ा मैंने। सबको लगेगा बापुत्रा ने उस हसमुख के सामने अपने घुटने टेक दिए। पापा आपने केस वापस ले लो, उसमें आपका बड़प्पन भी तो दिखेगा ना। ऐसे ही कैरेक्टर ट्रेस ढूंढ रहे हैं हमारे फाइनेंसर्स। कोई और मिल जाता हमें फंडिंग के लिए। उस हसमुख ने राशि के साथ जो किया है उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी। सस्ते में जाने दिया आप लोगों ने उसे। महंगा तो हमें भी पड़ सकता है चिराग। राशि की और बदनामी, बापुत्रा का एमएलए न बन पाना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। चलो ठीक है, दोनों तरफ से साइन हो गई, मुंह को पूरो। तूने मदद की थी ना मम्मी केस जुगाड़ में। उस हसमुख ने राशि की बात को स्कूल तक पहुंचा दिया था। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं इस कॉम्प्रोमाइज से। चिराग, खाना खा लेना प्लीज। छोड़ना, वो बात तो खत्म हो गई। खत्म करवाई गई है। ये प्रिंसिपल्स की लड़ाई थी। इस बार तू और मम्मी उन्हीं प्रिंसिपल्स के खिलाफ गए हो जिसे मम्मी हमें बचपन से सिखाती आई है। एक बुल्ली का कॉन्फिडेंस बढ़ाया तुम लोगों ने, उसको ताकत दी है। ये ताकत वो आज नहीं तो कल किसी और पे आजमाएगा, ये याद रखना। देख चिराग, राशि के लिए परेशान तू भी है और मैं भी हूं, लेकिन हर लड़ाई तलवार ऐसे हाथ में लेके नहीं लड़ी जाती है। कुछ पंगे बात के लिए भी छोड़ देने चाहिए। मुझे जिंदगी लग गई ये सब सीखने में, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। तू भी सीख जाएगा। दिमाग शांत कर और खाना खा। चल चिराग, खाना खा, मैं देखती हूँ। खाओ तुम लोग। चिराग को तो मना लेगी माँ, पर माँ के लिए बड़ी लड़ाई है कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। जैसे कि मैंने आप सबको कहा, पुष्पा जी की बेटी ने गोलियों का ओवरडोज किया था। अभी आत्महत्या करने की कोशिश थी या एक निर्दोष बेवकूफ़ी, ये तो उनकी बच्ची जाने। बट इट रिफ्लेक्ट्स सो पुअरली। स्कूल की डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ही अपनी खुद की बेटी को संभाल नहीं पा रही। कोटक सर ने ठीक कहा, मेरी बेटी ने गोलियां ली, पर वो गोलियां मुंह से हटाने की गोलियां थी, न कि कोई जहर। तो क्या उसकी इस गलती के लिए उसे फांसी पर लटका देना चाहिए? हम सजा देंगे उस बच्ची को या संभालेंगे ऐसी स्थिति में? मुझे तो कोटक सर ने सूली पर चढ़ाई दिया है मेरी बच्ची की नादानी के लिए। लेकिन आई एम सॉरी, अगर मुझ पर उंगली उठी है ना, तो यहाँ पर बैठे हर माँ बाप पे उंगली उठनी चाहिए। आप लोगों के द्वारा जमा किए गए फॉर्म है ना, मेरी बेटी खाना नहीं खाती, बच्ची ने नफरत भरे लेटर लिखे अपनी माँ के लिए, क्योंकि नया फोन नहीं दिलाया इसलिए। बेटे ने गुस्से में मिर्ची खा ली। मेरे डैड बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पढ़ता कहूँ। अब आप बताइए क्या करें इन बच्चों के साथ? स्कूल से निकाल दें या माँ बाप को ये सर्टिफिकेट दे दे कि उनको परवरिश करना नहीं आया? इसमें गलती किसकी है? आई एम सॉरी सर, लेकिन क्या आपके बच्चों ने कभी कोई गलती नहीं करी? कोई बदमाशी, बेवकूफ़ी नहीं करी? तो क्या आप मारते हैं उन्हें? सजा देते हैं? ताना देते हैं जिंदगी भर का? गलती को, उसके प्रमाण को, संजोग को, बच्चे की मनस्थिति को ध्यान में रखकर सजा देते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो बेवकूफ है। हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था। हम तो कांपते थे अपने माँ बाप से, गलती में 2 लाफे लगा देते थे गाल पे माँ बाप, और हम चू भी नहीं करते थे। वो दिन गए, वो जमाना अलग था, आज जमाना अलग है। पहले बच्चे माँ बाप को मम्मी पापा माँ बापूजी कहा करते थे, आज तो ब्रो यार ऐसे बात करते हैं अपने माँ बाप से। अलग है पर जरूरी नहीं कि गलत है। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चों के मन में अपने माँ बाप के प्रति सम्मान नहीं है? है, बस उस सम्मान को दर्शाने का उनका जरिया बदल गया है। आजकल तो बच्चे हेडफोन निकाल देना अगर आपसे बात करते हुए, तो वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस नए दौर के नए बच्चों को समझाने और संभालने के लिए हमें भी तो बदलना पड़ेगा ना थोड़ा। हमें एक साथ इकट्ठा होकर निपटना है इससे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर नहीं। आसान नहीं है। आजकल के ज़माने में टीनेजर का पेरेंट होना, मुझे पता है ना, अलग चुनौतियां इस पीढ़ी की। अलग ही प्रेशर होते हैं बच्चों के सर पे, अलग किस्म के तनाव, अलग सुझाव हैं उनके। झट से बुरा मान जाते हैं किसी भी बात का, दिल पे ले लेते हर बात। तो ऐसे में क्यों ना हम एक संगठन बनाए जहां ताना देने के बजाय किस किस बात से प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उस पर चर्चा करें, ताकि जो गलती मेरी बेटी ने करी वो गलती आपकी बेटी आपका बेटा ना करे। इसके लिए ना मेरे पास एक प्लान है। आप में से प्लीज बताइए ना कौन कौन है इस प्लान में मेरे साथ। आई एम अ सिंगल मदर, सब कुछ मैं ही हूँ अपने बच्चे के लिए। आई रियली नीड अ सपोर्ट। मैं आपके प्लान में शामिल हूँ। मैं भी Maybe. She's special, sir. वो लोगों की नब्ज को जानती हैं, उनके दिलों को छूती हैं, और इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता नानावटी सर की जगह लेने के लिए। एक एक करके सब फिसल रहे पर मैं नहीं फिसलूंगा। एक 11वीं पास महिला मुझे नीचा नहीं दिखा सकती। इसे अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। प्लीज सोच कीजिए सर, अगले 1-2 दिन में कुछ बंदोबस्त कर दीजिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। 1-2 दिन में? अश्विन, मैंने तुम्हें फोन पे भी कहा था कि कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। उससे पहले तो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। मेरे काफी पैसे एक प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। अब जब तक वहां से पैसा नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ए सुशी, डॉक्टर ने क्या डिलीवरी डेट दी है? अगले महीने का पहला हफ्ता बोला है। 1-2 दिन इधर उधर बोलो तो ज्यादा दिन नहीं बचे अभी है? तो प्रार्थना को बड़ी बहन का किताब मिलने में ज्यादा दिन नहीं है अभी। है? ये क्या हुआ सुशी, क्या सोच रही है? चिराग और प्रार्थना के बारे में सोच रही थी। दोनों के बीच में सब कुछ थोड़े दिन तक अच्छा चलता है, फिर वापस कोई अनबन शुरू हो जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करे दोनों बच्चों का। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है सुशी। तुझे एक बात समझनी होगी कि वो दोनों पति पत्नी कम, दोस्त ज्यादा है, और वो हमेशा रहेंगे। तो तू मैं जो है ना, वो पूरी जिंदगी चलने वाला है उन दोनों के बीच में। टेंशन मत ले। लेकिन जहां तक इस झगड़े का सवाल है ना, वो बापोद्रा निपटा देगा। बस पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।